नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं हिंदी रिव्यू। चला आज हम इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 11 ऑफ एचटीएमएल ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी, जिसमें हम देखेंगे एचटीएमएल एंटिटीज के बारे में। एचटीएमएल एंटिटीज को आप सिंपल वर्ड में स्पेशल कैरेक्टर भी बोल सकते हो। उससे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ कि इतने दिन तक हमने वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था और एडवर्ड सर थोड़ा बिजी थे। तो आज से हम रेगुलर वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्पेशल एंटिटीज होती क्या है? स्पेशल एंटिटीज ये है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट का सिंबल या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल यूज करना हो, जैसे कि ग्रेटर देन लेस देन साइन यूज करना हो, तो वो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप नॉर्मल साइन यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज पी टैग, मैंने यहाँ पे पी टैग लिख लिया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं पी टैग यहाँ पे लिख लिया। इसको सेव करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ। तो इसको अगर मैं रन करके देखूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जैसा लिखा वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे वो हमने जो लेस देन और ग्रेटर साइन के बीच में पी लिखा वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि गाइस क्यों नहीं है यहाँ कि जो लेस देन और ग्रेटर साइन है वो HTML का रिजर्व्ड साइन है। तो अपने जो भी उस दोनों के बीच में लिखेंगे वो HTML को यही लगेगा कि ये हमने कोड लिखा है। तो अगर आपको इसमें ग्रेटर देन और लेस देन साइन के बीच में आपको पी शो करना, तो वो कैसे करते हो? यहाँ पे आपको एंटिटीज का यूज करना पड़ता है। एंटिटीज गाइस दो तरीके होती है, एक होती है डेसिमल एंटिटीज और दूसरी होती है निमोनिक एंटिटी। डेसिमल में क्या होता है कि वो आप नंबर से लिख सकते हो, और निमोनिक में क्या होता है कि आप वो वर्ड में लिखते हो। इसको स्टार्ट एंड एंड कैसे करते हैं कि अगर आपको डेसिमल एंटिटीज लिखना हो तो आप उसको यहाँ पे आपको कंपलसरी यहाँ पे एंड पहले लिखना पड़ेगा। कोई भी एंटिटी आपको यूज करना है, डेसिमल या फिर निमोनिक, आपको दोनों की स्टार्टिंग आपको एंड से करनी पड़ेगी और एंडिंग जो है वो सेमी कॉलन से ही करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि डेसिमल पहले तो कैसे लिख लेते हैं। तो डेसिमल लिखने से यहाँ पे एंड लिखना है, और कोई भी आप डेसिमल एंटिटी यूज करेंगे तो यहाँ पे एंड के बाद आपको हैश टैग लेना कंपलसरी, आपको हैश साइन लेनी पड़ेगी। उसके बाद अपने जो कोड है वो लिखना है। यहाँ पे मेरे को लेस देन से चाहिए, तो लेस देन का कोड है 60। तो यहाँ पे मैंने 60 लिख दिया और यहाँ पे मैं इसको एंड कर दूंगा। और यहाँ पे मैं लूंगा, मेरे को फिर पी के बाद चाहिए ग्रेटर देन साइन। तो यहाँ पे मैं इसको पहले तो ये हैश का साइन ले लूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा 62 और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो आइए हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने रन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम जैसा लिखना चाहते तो वैसा यहाँ पे आया है। दिस इज के बाद लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के बीच में पी और यहाँ पे टैग। तो इसी तरीके से आप यूज करते हैं इसको। तो अब मैं आपको ये सेम वे में आपको दिखाता हूँ कि आपको अगर निमोनिक यूज करना है तो आप निमोनिक कैसे यूज कर सकते हो। निमोनिक को यूज करना बहुत इजी, आपको यहाँ पे सिंपल एन लिखना है, एन के बाद आपको यहाँ पे सिंपल वो वर्ड में लिखना है। इसका वर्ड है एलटी, ये एलटी है उसका मतलब है लेस देन, और यहाँ पे सेमी कॉलन, उसके बाद में हमने पी लिखना है। फिर यहाँ पे ग्रेटर देन साइन के लिए अपने को लिखना है एंड जी टी सेमी कॉलन। इतना सिंपल है गाइस, आपको खाली एंड और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको कोई भी एंट्री यूज करना है तो आप यहाँ उसको स्टार्टिंग एंड से ही करना है और उसका एंडिंग जो है वो सेमी कॉलन से ही करना है। तो यहाँ पे मैं सेव करके देखता हूँ, यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रन करके देखा, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो कि ये सेम वे में आ गया। दिस इज के बाद लेस देन साइन, उसके बाद में पी, उसके बाद में ग्रेटर देन साइन और उसके बाद टैग। यहाँ पे हम देखेंगे अब कॉपीराइट का सिंबल। तो कॉपीराइट का सिंबल भी बहुत इजी, आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज कॉपीराइट। मैं बस यहाँ पे एक डेमो टेक्स्ट ले रहा हूँ गाइज। तो यहाँ पे मेरे को अगर कॉपीराइट का सिंबल सेव करना है तो बहुत ही इजी, यहाँ पे मैं सिंपल एंड लिखूंगा, यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे सिंपल सेमी कॉलन कर दूंगा। यहाँ पे सेव करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे करते कि कैसे शो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा कॉपीराइट, दिस इज कॉपीराइट। तो कॉपीराइट के पहले हमने एक एंटिटी लिखी, यहाँ पे एंटिटी का कोड यहाँ पे शो, यहाँ पे ये जो सिंबल है वो शो हो गया। यहाँ पे मैं आपको एंटिटी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा सिंपल एंड कॉपी और सेमी कॉलन। तो यह इतना ईजी है, इसको यूज करना, आप इसको यूज भी कर सकते हो। तो इसकी जो और एंटिटीज है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट है जिसका नाम है W3 School, आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे मैं इसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हो। यहाँ पे सारी जितनी भी एंटिटीज है HTML में, वो सारी एंटिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो नॉन ब्रेकिंग स्पेस, तो आपको पता ही होगा कि अगर आपको डबल स्पेस देनी हो या फिर सिंगल स्पेस से ज़्यादा आपको स्पेस देनी है तो आपको ये टैग यूज करना, ये एंटिटी यूज करनी पड़ती है, ये आपको पता ही होगा NBSP। यहाँ पे फिर आपको अगर एम्परसेंड का साइन यूज करना, तो एम्परसेंड का यहाँ पे ये कोड है एंड AMP सेमी कॉलन। यहाँ पे सिंगल कोटेशन है, यहाँ पे सेंट है, यहाँ पे पाउंड है, यहाँ पे यूरो का टैग यूज करना है। फिर यहाँ पे रजिस्टर ट्रेडमार्क मैंने बताया आपको पहले ही। तो इसी तरह की से आप यहाँ पे फॉलो करके अपना यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको हमसे कोई बात या कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगर आप पुराने हो तो इस चैनल को शेयर करना ना भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं हिंदी रिव्यूज। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।